Good morning, students. In the previous classes, we are going to discuss about the chapter 2, how the dog found himself a new master. Class 6, lesson number 2, how the dog found himself a new master. कुत्ते ने अपने स्वयं के लिए एक नया मालिक कैसे खोजा, ये अपना जो लेसन है सेकंड वाला, इसके हमने क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन आंसर तो हमने शॉर्ट आउट कर लिए थे। एक्सरसाइज नंबर आपकी थी वर्किंग विथ टेक्स्ट हो गया था, उसमें ए और बी ऑप्शन हो गया था। अब हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज, क्या करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज। देखो पहला जो ऑप्शन है ईच वर्ड, ए वाला ऑप्शन है वर्किंग विथ लैंग्वेज, वर्किंग विथ लैंग्वेज अटैक ग्रामर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर इसके बनने वाले हैं वो इसमें हम करने वाले। कुछ आपको ब्लैंक वगैरह दिए होंगे उसमें ऐसे आपको कुछ फिल करने। देखिए ईच वर्ड इन द बॉक्स, ए का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, ईच वर्ड इन द बॉक्स, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, गिवन बिलो इंडिकेट्स ए, इंडिकेट्स ए लार्ज, इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर एग्जाम्पल्स ए हेड ऑफ काउज, रेफर्स टू मैनी काउज, यानी ए हेड्स ऑफ काउज यानी गायों का जो झुंड होता है, रेफर्स यानी वो इंडिकेट करता है, संकेत करता है टू मैनी काउज, कई गायों के लिए। इस तरह से आपको एग्जांपल मतलब दिया हुआ होगा, जैसे वर्ड आएगा वो कई चीजों को रेफर करेगा। देखिए कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विथ ए सूटेबल वर्ड, फ्रॉम द बॉक्स, विथ ए सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपके पास एक बॉक्स होगा, जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लिख रहा हूं, स्कूल, दूसरा वर्ड है फीट, फ्लीट, और तीसरा वर्ड है ब्रूड, चौथा वर्ड है बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक,
हैंड, ये अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, इनका यूज करना है हमको, और इनका यूज करके क्या करना है, नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स में इनको आपको क्या करना है, फिल करना है। कुछ ब्लैंक्स नीचे जो दिए गए हैं उसमें आपको इनको फिल करना है। ये जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे स्कूल, फ्रीड, रूड, बंडल, बॉन्स, पेक, फ्लॉप एंड हेड्स, ये सारे वर्ड्स जो है उनको हमें ब्लैंक में फिल करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर वन, ए ब्लैंक, और ऑफ सिप्स, तो सिप्स मान लीजिए एक से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या सबसे इंडिकेट करेंगे, फ्लीट, किससे इंडिकेट करेंगे, फ्लीट, फ्लीट ऑफ सिप्स यानी जहाजों का बेड़ा। जैसे मान लीजिए दो नंबर पे हम बात कर लेते हैं, ए ब्लैंक और आगे वर्ड दे रखा है ऑफ फ्लावर्स, ऑफ फ्लावर्स, तो जो फूल होते हैं उनका जो गुच्छा होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, क्या बोलते हैं उसको, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो इसमें ये फ्लीट आ गया, अब बंच है इसमें तो दो नंबर पे ही आ जाएगा, बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा या फूलों का गुलदस्ता कह सकते हैं। तीसरा जो अपने पास ब्लैंक आएगा उसमें हम देखते हैं, ए ऑफ चिकन्स, ए ब्लैंक ऑफ चिक्स, ए ब्लैंक ऑफ चिक्स, तो इसमें आएगा आपका ए ब्रूड ऑफ चिक्स, क्या आएगा, ए ब्रूड ऑफ चिक्स, चिक्स यानी जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, ब्रूड यानी उनका छोटे जो पुप्पीज होते हैं, उनके गुच्छे जो होते हैं। चौथा जो आपका बनेगा, ए केटल्स ऑफ केटल्स, अब यानी मवेशी जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं हेड, तो क्या आ जाएगा इसमें, ए हेड ऑफ केटल्स। अब देखना आगे पांच नंबर पे, पांचवा ब्लैंक करा, ए ब्लैंक ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तो इसमें बंडल होगा, इधर ये रहा बंडल, तो ये बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गुच्छा। अब है ऑफ सिप्स, छह नंबर पर, ए खालिस्तान ऑफ सिप्स, ये जो सिप्स होती हैं, ऑफ सिप यानी भेड़े, इसमें ये श्रद्धा नहीं है, ए ऑफ सिप्स, तो सिप्स जो होती है उनका क्या होता है, फ्लॉक, झुंड होता है, तो इसमें फ्लॉक होगा, ये रहा फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ सिप यानी भेड़ जो होती हैं उनका झुंड, ए फ्लॉक ऑफ सिप्स यानी भेड़ों का झुंड। अगला जो इसमें दे रखा है आपके ब्लैंक के लिए, ए ऑफ फिश, ऑफ फिश, फिश यानी मछली, अब मछलियों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ, स्कूल ऑफ फिश यानी मछलियों का झुंड या मछलियों का ग्रुप या मछलियों का समूह, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल समूह होता है, देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह होता है, तो स्कूल ऑफ फिश यानी मछलियों का समूह। उसके बाद में आपका अंतिम दे रखा है, ए ब्लैंक ऑफ वॉल्स, ए ब्लैंक वॉल्स, क्या कह रहा था, ए ब्लैंक वॉल्स, तो क्या बच गया इसमें, बोलो, फ्लीट आ गया, ब्रूड आ गया, बंडल आ गया, फ्लॉक आ गया, हेड आ गया, और लास्ट में हमने स्कूल भी यूज कर लिया, कौन सा बच्चा, पेक, तो क्या आ जाएगा, ए पेक ऑफ वॉल्स, यानी एक भेड़ियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं पैक ऑफ वॉल्स, भेड़ियों का समूह। इस तरीके से
कंप्लीट किया हमने वो सारे फ्रेजेस विद सूटेबल वर्ड्स के साथ, मतलब हमारे पास जो ये वर्ड्स दिए गए थे ये सारे के सारे एक्चुअली में मैं कहूँ तो कलेक्टिव नाउन जो है उसके एग्जांपल्स हैं। हमने पढ़ा था ना नाउन वगैरह, तो उसमें जो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के एग्जांपल्स हैं। ऑल दीज ब्लैंक्स आर द एग्जांपल ऑफ द कलेक्टिव नाउन, ये सारे के सारे जो है वो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। देखिए हमने क्या पढ़ा, वर्किंग विद लैंग्वेज भाषा के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। पहले हमने एक एग्जांपल इसमें फिल किया, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे ब्रैकेट में दिए गए सारे शब्द जो है इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ, वो एक बड़े नंबर या एक बड़ी संख्या की तरफ हमारे इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, उदाहरण के तौर पर समझिए, ए हेड ऑफ काउज एक गायों का झुंड यानी रेफर्स करता है, ये बताता है टू मैनी काउज, अर्थात इसमें एक से ज्यादा गाय है। अब देखना, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज विद ए सूटेबल वर्ड्स, कंप्लीट यानी पूरा कीजिए ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज, ये जो फ्रेज है उनको पूरा कीजिए विद ए सूटेबल वर्ड्स, एक उचित शब्द का प्रयोग करते हुए फ्रॉम द बॉक्स और इस बॉक्स से भरना है। बात समझ में आ गई होगी, कुल मिलाकर करना क्या है कि ये जो बॉक्स दी में वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स जो है इनका यूज करके ये नीचे जो ये ब्लैंक वाले एक बार छोड़ करके आप देखो तो ये अपने आप में एक फ्रेज है। मैंने कहा था सबसे छोटा वर्ड क्या जो होता है लेटर, लेटर के बाद में वर्ड, वर्ड के बाद में फ्रेज, फ्रेज के बाद में क्लोज और क्लोज के बाद में सेंटेंस, ये एक क्रम होता है लैंग्वेज में बनने का। तो हमने बोला ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए ब्रूड ऑफ चिक्स, ए हेड ऑफ कैटल्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए स्कूल ऑफ फिश, ए पैक ऑफ वॉल्स, इस तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं। अब इसमें किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो मोर एग्जांपल्स हैं इसमें, वो सब पढ़े समझने का प्रयास करें, अच्छे से समझ में आएगा। ए फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा, ए बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, ए ब्रूड ऑफ चिक्स यानी मुर्गी के बच्चों का झुंड, ए हेड ऑफ कैटल्स यानी मवेशियों का यानी जानवरों का समूह, ए बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों का गुच्छा, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स भेड़ों का झुंड, ए स्कूल ऑफ फिश मछलियों का गुच्छा या ग्रुप या समूह, ए पैक ऑफ वॉल्व यानी भेड़िए जो होते हैं जंगल में रहते हैं। हमने जो ये कहानी पढ़ी थी भेड़िए की और इनकी, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ए पैक ऑफ वॉल्व का मतलब क्या होता है, भेड़ियों का समूह है। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगला जो क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज विथ में, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ अभी। सेकेंड वाला जो इसमें ऑप्शन आएगा वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है उसका सेकेंड क्वेश्चन अब हम हल करने वाले हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, बी ऑप्शन जो क्या कह रहा है, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों से संज्ञा बनाइए, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन बिलो यानी नीचे दिए गए शब्दों से क्या बनाए, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग, क्या जोड़ करके बनाना है, बाय एडिंग, बाय एडिंग क्या जोड़ना है आपको इसके अंदर, नेस और आई टी वाई, एन ई डबल एस नेस और आई टी वाई, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपको ऐड करके क्या बनाना है, संज्ञा बनाना है। करना क्या है, अर्थात नीचे दी गई तालिका में जो शब्द दिए गए तो हम इसके अंदर एक आपको क्या दी जाएगी, जो वर्ड्स है वो क्या करना है उसको, मेक द नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी आपको करना क्या है, शब्दों में नेस और आई टी वाई है वो आई टी वाई जो ये ना आई टी वाई जोड़ करके संज्ञा बनाइए, और कुछ शब्दों में सिर्फ टी वाई या वाई भी जोड़ना जा सकता है, कुछ शब्दों में टी वाई जोड़ा जा सकता है, कुछ शब्दों में आई टी वाई जोड़ा जा सकता है, और कुछ में केवल वाई भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, वाई और एन ई डब्ल्यू एस नेस जोड़ करके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को, जैसे मान लो पहला वर्ड्स दिया गया आपको
ऑनेस्ट, ये एक वर्ड है ऑनेस्ट, आपको इसका नाउन बनाना है, क्या बन जाएगा? एच ओ एन ई एस टी वाई। अब देखो इसमें ऑनेस्ट तो था ही, आई टी वाई के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, केवल देखो आई टी वाई लगा सकते हैं या टी वाई लगा सकते हैं या फिर वाई, ये सब जोड़ सकते हैं। तो ऑनेस्ट अपने आप में एक वर्ड है और उसका नाउन बनाना है तो क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, तो ये कौन सी नाउन बन गई? हमने नाउन के पांच जो प्रकार पढ़े थे, ऑनेस्टी, क्या हम ईमानदारी को देख सकते हैं? क्या ईमानदारी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को बता रही है, पर्टिकुलर जाति को बता रही है या किसी पदार्थ को बता रही है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा। अब देखना क्रियोल, सी आर यू ई एल, क्रियोल निर्दयी शब्द है हमारे पास, वर्ड है, और इस वर्ड को हमें क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो अब देखो क्रियोली क्या बन जाएगा? क्रियोली, तो आप सी आर यू ई एल, यहां तक तो इतना है क्रियोल, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे जिससे कि ये बन जाए? दूसरा वर्ड जो अपने पास था क्रियोल, तो इसमें हमने जोड़ दिया टी वाई, क्रियोलिटी, क्रियोल से क्या बन जाएगा? क्रियोलिटी। अब हमारे पास जो तीसरा वर्ड है जिसको हम नाउन में बनाने हैं, वो अगला वर्ड जो है वो है काइंड। काइंड यानी दयालु होता है, क्या हो जाएगा? काइंडली। क्या जुड़ गया? एल वाई। क्या जुड़ गया? एल वाई, सॉरी नेश जुड़ जाएगा इसमें, काइंडनेश। नाउन बनाना हमको इसमें काइंडनेश। और चौथा वर्ड जो है हमारे पास वो ये है काम, सी ए एल एम, काम यानी होता है शांत, तो सी ए एल एम एल ई डब्ल्यू एस, कामनेस बन जाएगा। नाउन बनाना है तो हमें या तो एन ई डब्ल्यू एस लगाना है, आई टी टी आई टी वाई लगाना है, टी वाई या वाई लगाना है। अब पांचवा वर्ड दे रखा है सेड, तो सेड शब्द जो है उससे अगर हम नाउन बनाए तो क्या बन जाएगा? सैडनेस। क्या बन जाएगा? सैडनेस। और उसके बाद में मान लीजिए एक्टिव, इससे बनेगा एक्टिविटी। अब देखो एक्टिव में ई है तो वो हट जाएगा और आई टी वाई लग जाएगा, एक्टिव से एक्टिविटी गतिविधि बन जाएगी। अगला वर्ड दे रखा है क्रिएटिविटी, सी आर ई ए टी आई वी, क्रिएटिव, और क्रिएटिव से क्या बन जाएगा? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। अगला वर्ड हमारे पास दे रखा है सिंसियर, एस आई एन सी ई आर आर, सिंसियर, तो सिंसियर का बन जाएगा सिंसियरिटी। क्या बन जाएगा? सिंसियरिटी, एस आई एन सी ई आर आई टी वाई, सिंसियरिटी, ये ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा? आई टी वाई, सिंसियरिटी। अगली बात दे रखी है चीयर, नौ नंबर पर दे रखा है चीयर फुल, तो ये बन जाएगा चीयरफुलनेस। क्या बन जाएगा? चीयरफुल से चीयरफुलनेस बन जाएगा। अगला दे रखा है बिटर, दस नंबर का जो वर्ड है वो दे रखा है बिटर, इससे बन जाएगा बिटरनेश। क्या बन जाएगा? बिटर से बन जाएगा बिटरनेश। फिर अगला वर्ड दे रखा है सेंसिटिव, सेंसिटिव संवेदनशील जो होता है, इसका बन जाएगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी।
और उसके बाद दे रखा है लास्ट का वर्ड ग्रेट, और ये वर्ड बन जाएगा ग्रेट नेश। क्या बन जाएगा? ग्रेट और नेश। देखिए इस तरीके से मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के, ये जो शब्द नीचे दिए गए, इधर मैंने जो 12 शब्द लिखे हैं, इन वर्ड्स को हमें नाउन में बदलना है। चाहे उसमें आप एन ई एस जोड़े, नेक्स्ट जोड़ के बनाए, आई टी वाई जोड़ के बनाए, टी वाई जोड़ के बनाए, या वाई जोड़ के बनाए, ये कुछ ऐसे हिंट दिए गए कि इन शब्दों का ऐड करके आप इनको नाउन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला आपने बनाया ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, क्रिवल, क्रिवलिटी, काइंड, काइंडनेस, काम, कामनेस, सैड, सैडनेस, एक्टिव, एक्टिविटी, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और किसी काम को करना एक्टिविटी। क्रिएटिव यानी क्रियात्मक, क्रिएटिविटी यानी क्रियात्मकता। सिंसियर यानी सामान्य सरल स्वभाव का सीधा साधा, सिंसियरिटी यानी अनुशासित मान लीजिए। चीयरफुल यानी प्रसन्न, चीयरफुलनेस। बिटर, बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। इस तरीके से ये हमारे पास जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नाउन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आपको होमवर्क जो है वो फिर नोटबुक में करना है।